तो हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब भाई आज मेरे पास हर का एच पी लेजर ठीक है एम एफ एक सौ छब्बीस एन डब्ल्यू का प्रिंटर है तो भाई इस प्रिंटर में क्या समस्या है आज ये भी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे ठीक है तो भाई एक बहुत अच्छा सा प्रिंटर है बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रिंटर है तो चलिए इसकी पावर यहाँ से हम ऑन करते हैं दोस्तों अब आप जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर भाई हमने प्रिंटर के पावर को ऑन कर दिया है यहाँ पर ठीक है देख लीजिएगा ये यहाँ पर हमारी पावर ऑन हो चुकी है मैं आपको थोड़ा अच्छे ढंग से थोड़ा दिखा देता हूँ ये देख लीजिएगा यहाँ पे ठीक है ये देखो ध्यान से देखना आप लोग जो अब ये जो इसमें जो समस्या है इसमें भाई ये जो यहाँ पे इंसलाजिंग लिखा हुआ आ रहा है ना प्रिंटर के डिस्प्ले पे तो यही एरर दोस्तों इसमें आता है इससे आगे मशीन बढ़ती भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं ठीक है थीके? बस यहीं पर आके ये रुक जाता है इससे आगे बिल्कुल ये मशीन वर्क नहीं करती हमारी ये देख लीजिएगा आप इन सलेजिंग यहाँ पर लिखा हुआ बिल्कुल आ रहा है साफ साफ आप लोगों को डिस्प्ले में दिख पा रहा होगा ठीक है तो भाई अब कैसे इस प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट करेंगे क्या इसमें कोई हमारा ज़्यादा खर्चा होगा क्या होगा आज सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों ठीक है भाई अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा और बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबाएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके दोस्तों तो चलिए भाई हमारी प्रिंटर यहाँ पे इसको हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से अब ऑफ करने के बाद दोस्तों हम दिखाते हैं कि कैसे प्रिंटर को पूरा खोला जाता है ठीक है कैसे खोलते हैं इसको सारा कुछ इस वीडियो में आज आप लोगों को हम बताएंगे और सिखाएंगे भी दोस्तों ठीक है भाई अगर वीडियो अच्छे लगते हैं आप लोगों को तो आप अच्छे प्यारे प्यारे, प्यारे कमेंट करते हैं ठीक है तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हमारे दो स्क्रूब होते हैं वो हमें यहाँ से ओपन करने होते हैं दोस्तों ये देखिए जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आप लोगों को इसको इसमें करना है ठीक है पे इसके लॉक होते हैं सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में दिखाई दे रहा दोस्तों ठीक है जैसे मैं इसमें खोल रहा हूँ ऐसे ही आप लोगों ने भी करना है ठीक है हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें अभी हमें इसमें कोई भी पार्ट चेंज करने की जरूरत इसमें नहीं है अभी ठीक है सबसे पहले हमारा भाई क्या होता है कि मशीन जब हमारे पास आती है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले मशीन को चेक करते हैं चेक करने के बाद भाई हम मशीन को पूरी एक बार सर्विस करेंगे ठीक है एक बार पूरा प्रिंटर हम सर्विस कर देंगे सर्विस करने के बाद भाई हम प्रिंटर को फिर से ऑन करते हैं अगर हमारी वो समस्या खत्म हो जाती है तो बढ़िया है ठीक है पैसा आप लोगों का बच जाता है सिर्फ सर्विस चार्ज जो नॉर्मल होता है वो लग जाता है लगता है ठीक है अगर भाई सर्विस करने के बाद भी अगर ये समस्या बनी रहेगी तो भाई फिर हमें देखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट इसमें खराब है तो वो पार्ट हम इसमें तब चेजा के चेंज करते हैं ठीक है अगर आप लोगों को भाई ये प्रिंटर अगर रिपेयर करानाने सर्विस कराने ठीक कराने तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं ठीक है फिर हम लो, आप लोग आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी हमारा बस मतलब है कि प्रिंटर को खोलना और खोल के पूरे प्रिंटर को सर्विस कर देना दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ एक एक पार्ट किस तरीके से ओपन किया जाते हैं ठीक है यहाँ पे हमारा एक स्क्रू होता है वो भी हमें यहाँ से ओपन कर देना दोस्तों तो चलिए यहाँ पे हमारा भाई ये वाला स्क्रू भी हमारा ओपन हो गया इसका आगे का डिस्प्ले पैनल है ठीक है ये केवल आपको लोगों को ध्यान से हटा देनी है ये देख लीजिएगा कितना डस्ट इसके अंदर दोस्तों भरा पड़ा हुआ आप देख सकते हैं इस वीडियो में ठीक है अभी तो मशीन पूरी खुली नहीं है जब पूरी खुलेगी तब आप लोगों को और ज़्यादा इसमें दिखेगा कितनी धूल है पॉप इसके अंदर यार ठीक है अब भाई अब हमें क्या करना है इसके ये लॉक खोलना है यहाँ पे ठीक है ये देख लीजिएगा यहाँ पर हल्का सा प्रेस करना होता है आप लोगों को और साइड से इसके स्कैनर केबल को निकाल देंगे और ये हमारा टॉप का निकल के साइड में आ जाएगा दोस्तों अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मशीन हमारे आधे खुल चुकी है ठीक है अब यहाँ पे हमारे दोनों लॉक होते हैं फ्यूजर वाले इसको हम डाउन कर देंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पे हमारे डोर का लेवर होता है ठीक है ये देख लीजिए ये भी हमारे यहाँ से निकल चुका है अब ध्यान से देखना आप लोग इस वीडियो में ध्यान से देखना अब भाई लास्ट में खुलता हमारा यह साइड वाला पैनल ठीक है ये देख लीजिएगा कुछ इस तरह से हम यहाँ पे पेस्कस को या स्क्रू ड्राइवर को फंसा देंगे और हल्का जैसे उसको नीचे से पुश करेंगे तो यहाँ पर लॉक प्रदेश के और ये हमारा निकल के बाहर आ जाएगा दोस्तों ठीक है सावधानी पूर्वक निकाले जबरदस्ती मत करना क्योंकि जबरदस्ती करोगे तो भाई टूट भी सकता है ठीक है ध्यान से देखना आप लोग तो गाई देख लीजिएगा अब हमारी आधी मशीन खुल चुकी है खुलने के बाद भाई हमारा प्रिंटर कुछ इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को ठीक है ये देख लीजिएगा अब जो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जितने भी स्क्रूप है हमारे यहाँ पे हमें सारे स्क्रूप यहाँ से रिमूव कर देंगे दोस्तों ठीक है ये देख लीजिएगा तो चलिए भाई हमने सारे स्क्रूब फटाफट पड़ यहाँ से रिमूव करते हैं ये देख लीजिएगा फटाफट फटाफट पड़ सारे जितने भी स्क्रूप हैं सारे आप लोगों ने रिमूव कर देना ठीक है जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों तो ये जैसे हम सारे स्क्रू रिमूव कर देंगे तो हमारा जो ऊपर का इसका कवर जो है वो पूरा निकल के बाहर आ जाएगा दोस्तों ठीक है ये देख लीजिएगा जाए यहाँ पे बिल्कुल भाई एक एक पॉइंट हम आप लोगों को दिखाते हैं ठीक है बाकी ऐसा कोई भी आप लोगों को वीडियो में सही तरीके से नहीं बताता है कि जैसे हम बताते हैं आप लोगों को भाई फिर भी आप लोग यार कमेंट नहीं करते कमेंट करो यार अच्छे अच्छे ठीक है कई लोग ऐसे कि बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग पता है इस वीडियो में पता है क्या हो रहा है इस चैनल पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो उनको पसंद आ रही भाई लोगों को ठीक है पूरा इन्जॉय करते हैं लेकिन यार भाई दोस्तों एक क्या पता क्या है एक ही समस्या है कि आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ कर दिया करो यार ठीक है एक सब्सक्राइब करने से ना तुम्हारा पता क्या होता है पैसा भी नहीं लगता है ठीक है और बस एक बार आपको बटन को प्रेस करना होता है और थोड़ा हमें क्या है मोटिवेट मिलता है खुशी मिलती है हमें कि यार हाँ ठीक है हमारे थोड़ा फ्लोवर बढ़ रहे हैं तो बस यही खुशी होती है दोस्तों ठीक है इसलिए हम आप लोगों को ले वीडियो बनाते हैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं पूरा हर चीज़ सिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को तो ये देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ये हमारा स्कैनर है क्या हालत इसकी यहाँ पे हो रखी है ठीक है ये देख लीजिएगा कितना गंदा हो रखा दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ ये तो भाई ये हमें पूरा प्रिंटर एक बार सर्विस करना है ठीक है ये देखो इतनी डस्ट इसके अंदर भरी पड़ी है इसके अंदर तो भाई तो समस्या तो आएगी ना तो ये इसी समस्या को हम आज खत्म करेंगे ठीक है सर्विस करके लोग यहाँ पे पता क्या करते हैं पार्ट चेंज कर देते हैं यहाँ पे यार बता देता आप है तो आप, लोग तो आप लोगों को भाई इतना इसमें खर्चा है तो ठीक है आप लोग वहाँ पे बेवकूफ़ बन जाते हो तो भाई बेवकूफ़ नहीं बनना आप लोगों को ठीक है बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ एकदम बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बनना है आप लोगों ने ठीक है पहले प्रिंटर सर्विस कराना है ये देखो कितनी डस्ट इसमें भरी पड़ी है दोस्तों कितना गंदा हो रखा है यार ये है इतना गंदा हो रखा है इतना कचरा इसमें जमा पड़ा है तो मशीन तो काम कहाँ से करेगी खुद ही सोचो ना एक बार तो भाई मशीन को हर चार महीने पाँच महीने छः महीने में एक बार जरूर सर्विस कराएं दोस्तों अपनी मशीन ठीक है यहाँ पे जितने भी इसकी केबल हैं जो समस्या मेन जो समस्या आती है ना वो यहीं से आती है ठीक है जो अभी जो आ रही है प्रेजेंट में जो अभी यहाँ से समस्या जो चल रही है वो यहीं से चल रही है जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मेन पॉइंट ठीक है तो हमें रिप्लेस कुछ भी नहीं करना भाई आप लोगों ने ध्यान से देखना है ठीक है अब मैं यहाँ पर दरवाज़ा खोल रहा हूँ ये देख लो ये मैंने स्टूल रख दिया बाहर ठीक है ये बतानी चाह रही लेकिन बता रहा हूँ उसके बाद हम मशीन को उठा कर रख देंगे बाहर अब बाहर रखने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें ब्लोर मारेंगे बहुत तेज ठीक है इतना तेज ब्लोर मार तुम्हारा प्रिंटर हवा से उड़ जाए ऐसा नहीं करना आपने ठीक है बड़े प्यार से मा, ब्लोर मारना दोस्तों ठीक है अगर ब्लोर नहीं है तो आप ले सकते हैं मार्केट में चार पांच सौ रुपए में आपको मिल जाता है ठीक है क्योंकि आपके काफी सारे काम आते हैं ये तो भाई यहाँ पे अब जो इसकी केबल है ना तो इस केबल को भी हम यहाँ पे रबड़ की सहायता है रबड़ समझते हैं ना इरेजर अब हर घर में होता है बच्चे हर घर में तो उससे हम इसको साफ़ कर देंगे दोस्तों ठीक है ये जितने कनेक्शन है केवल ये वाले जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यही चीज़ आप लोगों को साफ करनी है और आपकी प्रॉब्लम जो है ना हंड्रेड परसेंट सॉल्व हो जाएगी ठीक है और पैसा भी बच जाएगा आप लोगों का हाँ पैसा भी बच जाएगा और कोई भी आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा ठीक है तो ये देख लीजिए जैसे मैं यहाँ पर इसको साफ कर रहा हूँ ऐसा आप लोगों ने साफ़ करना है तो भाई दोबारा फिर से एक बार अपील कर रहा हूँ भई अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी ठीक है थोड़ा कुछ अगर मैं आप लोगों को सिखा पाया और मेरे सीखने से आप लोगों थोड़ा प्रॉब्लम आप लोगों की अगर शॉर्ट आउट हो गई होगी तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबाएगा ताकि जितनी भी मैं नई वीडियो डालूँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों ठीक है तो यहाँ पे यह देखना सारा कुछ मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया दोस्तों केबल है जैसे मैं इस पर लगा रहा हूँ ऐसे आप लोगों को लगा देनी है फिर से वापस तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे बस मेन सर्विस का खेल है दोस्तों यहाँ पर ठीक है कभी कभी पार्ट खराब भी हो जाते हैं लेकिन हमें एकदम पार्ट चेंज नहीं के नहीं होते पहले इसको सर्विस करो या सर्विस करके देखो ठीक है अगर चल जाता है तो ठीक है दो पैसे हमारे क्लाइंट कहीं बच जाते हैं ठीक है तो वो भी अच्छा लगता है उनको भी सही लगेगा यार बंदे ने जैन है उनका हम इस पर करा है दोस्तों तो ये देख लीजिएगा थोड़ा मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो शूट करने में ठीक है अकेले आदमी है बस अकेले हाथ से मोबाइल पकड़ के अकेले शूट करना पड़ता सारा कुछ आप लोगों के लिए तो भाई ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सारा कुछ मैंने सारी केबल यहाँ पे फिट कर रहा हूँ ठीक है ये एक हमारी स्कैनर केबल है यहाँ पे और दूसरा हमारा है ईश्यू कार्ड की ठीक है इंचन कंट्रोलर जो कार्ड होता है यहाँ पे जो छोटा सा कार्ड दिख रहा है ना आप लोगों को यहीं से ये दो समस्या जो आती है यहीं से आती है ठीक है तो ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे अब कुछ हमारा प्रिंटर इस तरह से दिख रहा थे देखो किस तरह कचरा इसके अंदर भरा हुआ था दोस्तों सारा हमने इसको साफ कर दिया ठीक है अब ये हमारा जो स्कैनर है इसमें अब इसको भी हम यहाँ से क्लीन कर देंगे थोड़ा ब्रश मार के ऐसा चमका देंगे दोस्तों इसको कि ये लगे नया जैसा बिल्कुल ठीक है तो ये देखो यहाँ पे ब्रश आपको भी एकदम अच्छे तरीके से इसमें ब्रश मार देंगे हम लोग ताकि इसमें कोई भी समस्या ना रहे दोस्तों ठीक है तो भाई ये हमने लगा दिया यहाँ पे सारा कुछ केबल साफ करके आप लोगों को दिखा दिया अब वापस हम प्रिंटर को असेंबल करते हैं दोस्तों तो भाई ये हमने स्कैनर यहाँ पर लगा दिया ठीक है ये स्कैनर के दोनों केबल हमने यहाँ पे मोटर की केबल सारी यहाँ पर हम फिट कर दिए तो भाई ये देखो कुछ इस तरह से कितना बड़ा हमारा प्रिंटर था खोल के कितना छोटा हो गया ठीक है अब हम जो इसके ऊपर के सारे कवर है सबको फिट करते हैं ठीक है प्रॉपर तरीके से इनको फिट कर देंगे मतलब पूरा प्रिंटर पैक नहीं करूँगा मैं ठीक है आप लोगों को बता दूंगा अभी चेक करके बताऊँगा क्योंकि अगर पूरा प्रिंटर बनाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों ठीक है क्योंकि हमारे भाई रिपेयरिंग का काम है तो रिपेयरिंग करने में ना हमारी वीडियो जो है कि कम से कम पैंतीस मिनट चालीस मिनट एक एक घंटे की हो जाती है लेकिन हम क्या करते हैं उस वीडियो को इस हिसाब से बनाते हैं कि जो मेन मेन चीज जो इसमें होती है वो चीज़ हम सारा आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों ठीक है यहाँ पर अगर मैं पूरा प्रिंटर पैक कर दूँ सारा कुछ करके फिर आप लोगों को दिखा दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर आप लोग क्या करते हैं छोड़ के भाग जाते हैं ऐसा नहीं होने दूंगा ठीक है तो आपने भागना नहीं है तो भाई यहाँ पे हम अभी देखो जुगाड़ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को ऊपर से ठीक है यहाँ पे हमारा इसका क्या कहते हैं इसको पावर बटन होता है सप्लाई का डोर को क्लोज करने वाला ठीक है तो उसको भाई हम यहाँ पे मैंने ऊपर कागज का लगा दिया ताकि मेरे को प्रिंटर के और सारे पार्ट इसमें फिट ना करना पड़े तो मेरे को सिर्फ यहाँ पर अभी डिस्प्ले वाला केबल वाल इस पर कनेक्ट करना है ठीक है कनेक्ट करके मैं प्रिंटर को फिर ऑन करके आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे केबल मैंने फिट कर दिया अब भैया मेरी बारी है इसमें पावर केबल को लगाने की ठीक है अब मैं प्रिंटर में पावर दूंगा तभी तो आप लोगों को दिखा पाऊंगा ना अब पावर नहीं दूंगा तो कहाँ से देखेगा यार ये देखो मैंने इसमें पावर दे दिया और प्रिंटर हमारा ऑन हो गया दोस्तों ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ठीक है इसको दोबारा से प्रेस करेंगे ढंग से काम नहीं किया ठीक है इसको जरा नीचे डालूंगा दबा के रखूंगा ये देख लीजिएगा अब हमारे यहाँ पे पावर प्रिंटर में आ गई है ठीक है आप लोगों को दिखाऊंगा बिल्कुल क्लोज करके भाई जितना मेरे से हो सकेगा ठीक है इतना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे ये देख लीजिएगा आप लोग अब देखो हमारे यहाँ पे प्रिंटर पूरा घूम रहा है ठीक है पहले हमारे प्रिंटर ना घूम भी नहीं रहा था इसमें यार ये देखो अब प्रॉपर तरीके से प्रिंटर काम भी कर रहा है देखो ठीक है यहाँ पे जो स्कैनर एरर जो आ रहा है ना क्योंकि यहाँ ऊपर हमने स्कैनर लगाया नहीं इसमें तो वो एरर तो आएगा इसमें ठीक है तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है जब हम उसको दकान इसमें लगा देंगे तो वो प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट आउट हो जाएगी दोस्तों तो ठीक है चलो ये देख लीजिएगा यहाँ पे मशीन हमारी एकदम रेडी है अब हमें पता है क्या करना है प्रिंट करके आप लोगों को दिखाना है भाई ठीक है तो चलिए प्रिंट करके भी दिखाते हैं लगा देते हम यहाँ पे पेपर एक बार फिर से ये देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे भाई ये हमने पेपर लगा दिया ये हमने यहाँ से कमांड मार दिया और प्रिंट हमारा निकल के बाहर आने वाला दोस्तों एक गया दोस्तों पेपर और ये हमारा बाहर निकल के आ गया ठीक है भाई अगर आप लोगों को ना ये देखो भाई अभी आप ये सोच रहे होंगे प्रिंट लाइट आ रहा है यहाँ पे भाई कांटे रिफिल करनी है कांटे रिफिल करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके ठीक है थीके? तब तक के लिए बाय बाय नमस्कार जय हिंद स्वस्थ रहो